खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। बुढ़ार ब्लॉक के किसवाही पंचायत में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गांधी व शास्त्री जयंती। आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शास्त्री जी की जयंती पर सरपंच देवकी सिंह ने अपने ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जय घोषों से परिसर गूंज उठा। इसके उपरांत सरपंच सभागार में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष जनपद हर्ष सिंह, सरपंच देवकी सिंह, उप सरपंच मोहम्मद वसीम ने गांधी व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उपाध्यक्ष जनपद हर सिंह का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। सिंह ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी व शास्त्री विचारधारा का अनुकरण करना चाहिए। इसके विचारों से समाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि गांधीगिरी एक भावना है। हम सबको गांधी जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इन दोनों विभूतियों ने देश को गौरवान्वित किया है। मौके पर पंच अजय शर्मा ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत कर सभी के मन को मोह लिया। इस अवसर पर पत्रकार दीप प्रकाश गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पंच अबू हसन, पंच कमलेश सिंह, नबलू सिंह बरगाही, सहायक सचिव शैलेंद्र तिवारी सहित ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए दीप प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नाम सुरेश कुमार भट्ट, सचिव ग्राम पंचायत के स्वाही जी। आज दिनांक 2/10/2022 को महात्मा गांधी के जन्म उपलक्ष्य में ग्राम सभा का आयोजन शासन के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें हितग्राही मूलक योजना एवं सार्वजनिक विकास की योजनाओं का प्रस्ताव ग्राम सभा के उपस्थित व्यक्तियों द्वारा दिखाई गई, जिसमें नाली निर्माण, सीसी रोड, तालाब का घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण एवं ग्रेवल रोड या पेयजल व्यवस्था इत्यादि कई प्रकार के अतिक्रमण हटाओ पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जो अतिक्रमण किए गए हैं, वार्डों की सरसफाई पर विशेष चर्चा की गई, जिसे उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किए गए। नाम मोहम्मद वसीम, उप सरपंच केसवाई। आज ग्राम सभा में क्या क्या इधर हुआ, क्या क्या सब बताइए। आज ग्राम सभा में 2 अक्टूबर में ग्राम सभा में गांव के विकास के लिए सीसी रोड है, नल जल के लिए, साफ सफाई के लिए हमने इस्टीमेट का बोली मतलब कार्य योजना के लिए हमने काम किया तरीके से आयोजन। फर्स्ट में है शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखना, नशा मुक्ति ग्राम बनाने पर चर्चा, शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल जल योजना के रखरखाव की व्यवस्था संबंधी चर्चा, कुपोषण मुक्त ग्राम पर चर्चा, ग्राम में किशोरियों की सुरक्षा पर चर्चा, बाल हितैषी एवं महिला सशक्तिकरण विजन पर चर्चा, हर घर जल कार्यक्रम में क्रियान्वयन पर चर्चा, अमृत सरोवर संरचना के रखरखाव एवं उपयोग पर चर्चा, ग्राम गौरव दिवस कार्यक्रम पर चर्चा, 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना एवं रणनीति पर चर्चा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना पर चर्चा, वृक्षारोपण एवं वर्षा के जल को रोकने की कार्य योजना बनाना, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुरक्षित जल के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पर चर्चा, नवगठित स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति का पुनर्गठन तथा सक्रियकरण पर चर्चा, 2 अक्टूबर 2022 को प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा में पंचायत की स्वयं की आय के साधन बढ़ाने की आवश्यकता एवं आय के प्रावधानों के संबंध में चर्चा करना, पंचायत क्षेत्र में निवासी समस्त शासकीय सेवक तथा पंचायत प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से कर एवं फीस जमा करने हेतु प्रेरित करना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं की आय के प्रावधानों का प्रचार और प्रसार करना, दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ सबकी योजना सबका विकास जन अभियान अंतर्गत ग्राम सभा में 09 थीमेटिक विषयों में से विषय विशेष पर लिए गए संकल्प के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP तौर पर जाना, ग्राम सभा में आपसी सहमति से निर्णय लिया जाकर महिला समूहों की ग्रामीण गरीब उन्मूलन योजना VPRP कार्य योजना का निर्माण तथा ग्राम पंचायत विकास योजना के समावेश किया जाना, ग्राम सभा में सतत विकास के लक्षणों एवं GDP एकड़ के माध्यम से प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण समूह चर्चा समूह कर आदि के माध्यम से मौलिक जानकारी प्रदान कर ग्रामीण समुदाय में SDG के लक्ष्य पूर्ति के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए प्रयास किया जाना, अन्य विषय सरपंच की अनुमति से